हेलो एंड वेलकम दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, इसकी प्रीवियसर क्वेश्चन के बारे में। देखिए प्रीवियसर जो येस्टरडे था, उस दिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो प्रोवाइड करा दी गई थी, लेकिन आज हम बात करेंगे इसकी प्रीवियसर क्वेश्चन के बारे में। उस दिन हमने जान लिया था कि पिक्टोग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, डेटा क्या होता है, लेकिन आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको जो भी डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारा पेपर आता है वो हमारा मल्टीपल चॉइस में आता है, इसलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मटेरियल है, इसमें पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो हमारे टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे, ये आपको सारी फील्ड में रहेंगे, मतलब पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन रहेगा इसमें, बार ग्राफ का भी रहेगा, हिस्टोग्राफ का भी रहेगा, और डेटा मतलब इंटरप्रिटेशन पूरा रहेगा इसमें। सभी टाइप के इसमें क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आपको सभी टाइप के डाउट सॉल्व हो जाए। ठीक, तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ठीक है सभी, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, सबसे तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ठीक, सबसे पहले क्या, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही है, मैं आपको हिंदी में भी इसका मीनिंग बता दूंगा, तो आप हिंदी मीडियम वाले भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, द फॉलोइंग वार डायग्राम शोस, द फॉलोइंग वार डायग्राम शोस द सेल्स नंबर ऑफ बर्गर्स ऑफ ए बर्गर सेल्स ड्यूरिंग 5 डेज। मतलब यहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन, ये देखिए संडे यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे संडे लिखा हुआ है। तो यहाँ 5 दिन का आपको एक ग्राफ दिया, ऐसे बोलते हैं। देखिए इसको कौन सा, इसे पिक्टोग्राफ बोलते हैं। ठीक, जो इस टाइप का जो ग्राफ रहता है उसको बोला जाता है पिक्टोग्राफ। ठीक, बार ग्राफ बोला जाता है, सॉरी, इसको क्या बोला जाता है, बार ग्राफ बोला जाता है। ठीक, पिक्टोग्राफ बोलते हैं, जो इमोजी वाले रहते हैं ना उसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक, गलती मिस्टेक हुई थी, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। इसमें बताया कि 5 दिन बर्गर सेल्स का इसमें डिटेल दिया हुआ है कि वेनसडे को इतने बर्गर सेल हुए, तो वेनसडे का ये लाइन दिख रही है, तो ये लाइन जा रही है 40 पे, तो वेनसडे को 40 बर्गर सेल्स हुए। फिर थर्सडे को कितने बर्गर सेल हुए, थर्सडे को 60 बर्गर सेल हुए। फिर फ्राइडे को कितने बर्गर सेल हुए, फ्राइडे को 80 बर्गर सेल्स हुए। फिर सैटरडे, सैटरडे को कितने बर्गर सेल हुए, यहाँ पर कितना, 55 बर्गर। मतलब यहाँ को डे बाई डे आपको बताया है कि इस दिन इतने बर्गर बिक चुके हैं हमारे। देखिए वेनसडे को हुए थे 40, थर्सडे को हुए थे हमारे 60, फ्राइडे को 80 और सैटरडे को हुए यहाँ पे 55। हमें संडे का निकालना है इसमें। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन, इफ टोटल सेल ऑफ बर्गर्स बॉस्ट 320, मतलब टोटल 320 बर्गर सेल हुए, उसने सभी दिनों को मिला के 320 बर्गर बेचे, उसने पांचों में से 320 बर्गर उसने सेल किए हुए, देन नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड ऑन संडे, तो उसने संडे के दिन कितने बर्गर बेचे, तो हमें क्वेश्चन मार्क मिसिंग क्या है हमारा, संडे का दिन टोटल उसने कितने बेचे हैं। देखिए टोटल बर्गर बेचे हैं उसने 320 बर्गर बेचे हैं। ठीक, टोटल बर्गर 320 बेचे हैं और हमें संडे का फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क संडे। तो देखिए हम क्या करेंगे, टोटल बर्गर कितने हमारे 320 हैं, और वेनसडे, वेनसडे को कितने हमारे 40 बर्गर हैं, थर्सडे को कितने बर्गर हैं हमारे, थर्सडे को 60 बर्गर हैं, ये देखिए थर्सडे को 60 बर्गर। उसके बाद फ्राइडे को कितने बर्गर हैं, फ्राइडे को 90 बर्गर हैं, 90 बर्गर बेचे उसने, सॉरी 80 बर्गर बेचे। उसके बाद सैटरडे को कितने बर्गर बेचे उसने, सैटरडे को 55 बर्गर बेचे। तो टोटल कितने होगा 4 दिन का, तो इसका टोटल कर लेंगे कितना होगा, ये 5, 4 और 6 10, 10 5 15, 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 245, सॉरी 235, 23 आएगा। तो उसने टोटल कितने बेचे, 235। देखिए टोटल कितने हैं हमारे पास, 320 है, और 3 दिन के कितने हैं हमारे पास, यदि हम टोटल में से 3 4 दिन के घटा देंगे तो हमें 5 दिन का मिल जाएगा। तो 320 में से अगर हम 235 को माइनस कर देते हैं तो हमें संडे का मिल जाएगा, तो कितना बचेगा, 320 में से 235 को माइनस करेंगे तो
तो हमें 85 बचेगा। तो संडे का हमें कितना मिल गया, 85। तो 85 देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मैंने बोला था ये इमोजी वाला, जो ये गुड्डा गुड्डी टाइप के रहते हैं इनको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। तो देखिए मंडे के दिन इसमें पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ प्लांट्स सोल्ड थ्रू ए नर्सरी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मतलब एक नर्सरी है, उसमें मंडे से फ्राइडे इतने प्लांट्स बिक चुके हैं, सोल्ड मतलब बिक चुके हैं। तो एक नर्सरी में से मंडे टू फ्राइडे इतने प्लांट्स की संख्या बिकी है, ठीक। और एक प्लांट, ये एक जो चित्र दिया हुआ है इसका मतलब होता है 20 प्लांट। तो मंडे के दिन कितने बिके हैं, तो देखिए एक एक का कितना मतलब होता है, एक प्लांट का मतलब होता है 20, सॉरी एक, मान लेते हैं एक इमोजी का मतलब कितना है, 20 प्लांट, ठीक 20 प्लांट है। टोटल कितने हैं गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल कितने हैं 19 है, और एक की कीमत कितनी है 20। यदि हम इसमें 20 में इंटू कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएंगे कि टोटल कितने प्लांट बिक चुके हैं। यदि हम 20 का 19 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 20 का 380, ठीक 19 का 2 में करेंगे 38, 0 का 0, तो 380 प्लांट बिक चुके हैं हमारे। कितने प्लांट बिके हैं, 380। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ आप लगा लीजिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें भी ग्राफ वाला ये क्वेश्चन है, ये सभी ग्राफ वाले रहेंगे। तो इसमें भी क्या आपको दिया हुआ है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के लिए बोल रहे हैं हमें, तो पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। वॉट इज द नंबर ऑफ सोल्ड बनानास ड्यूरिंग द गिवन मंथ, मतलब ये इन मंथ में कितने बनाना बिके हुए हैं, बिक चुके हैं, तो हमें इसकी संख्या बतानी है। तो देखिए मार्च में कितने बिके हैं, मार्च में 1 2 3 4 5 6 6 बनाना बिके हैं, और एक की कीमत कितनी है यहाँ पे, एक की कीमत 5 है, ठीक। एक बनाना बनाना कीमत कितनी हुई है, 5। एक की कीमत कितनी, 5। इसमें में आंसर नहीं हुई है, मिस प्रिंटिंग हो गया था, लेकिन एक की कीमत 5 दी हुई है। तो इसके करेंगे 5, 6 बनाना से एक की कीमत 5 है और 12 मंथ, तो इसका इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 6 5 30, 30 का हम 12 में इंटू करेंगे तो कितना है, 360 बनाना। तो मार्च में हमारे कितने बिके हैं, 360। अब चलते हैं अप्रैल में, तो देखिए अप्रैल में कितने हैं हमारे, 3 हैं, और एक ही कीमत 5 है कीमत, तो 5 × 12, इसका इंटू करेंगे 3 5 15, 15 और 12 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 180। देखिए ये इंटू आप खुद अच्छे से कीजिएगा खुद से, ये मैं जल्दी जल्दी कारण आपको बता देता हूँ। फिर करेंगे मई में कितने बिके हैं हमारे, तो मई में कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5, 5 है हमारे, एक की कीमत ही 5 ही है और 12 मंथ, ठीक। 5 का 5 में करेंगे तो 25, 25 का हम 12 में करेंगे तो हम कितना जाएगा, 30। 300 बना बनाना सेल हुए मई में। इसके बाद आते हैं हम जून, तो जून की देख लेते हैं कितने हैं, 1 और 2, 2 बनाना सेल हुए हैं, एक कितना है 5 के बराबर, तो ये हमारे दर्जन में, सॉरी ये 12 मंथ नहीं, ये दर्जन में सॉरी, ठीक। 6 केले हैं और 6 केले हैं और ये 5 है, एक का जो डिनोट है 5 से डिनोट करते हैं, ठीक। जो भी इसकी संख्या दी हुई है, देखिए ये 5 मैंने क्यों लिखा हुआ है इसमें, एक का मतलब होता है 5 दर्जन, यहाँ पे जो एक डब्बा दिया है इसका मतलब है 5 दर्जन, ठीक। कितना, 5 दर्जन। देखिए 6 है यहाँ पास, 6 डब्बे हैं वो कितने, 5 दर्जन है, तो 6 × 5 और फिर कितना, 1 दर्जन में 12 केले रहते हैं, तो 5 × 12। ऐसे इसमें किया, 3 डब्बे थे हमारे पास और ठीक है, एक का मतलब 5 होता है, 5 का इंटू किया इसमें और 12 का दर्जन। ऐसे 5 डब्बे थे और 5 डब्बे थे, 1 डब्बे में बराबर होता है 5 दर्जन, तो 5 का इंटू किया और 1 दर्जन में होते हैं 12, 12 के इंटू के। ऐसे 2, 2 में कितने, 5 दर्जन है,
ठीक, एक डिब्बे में कितने 5 है, 2 में 10 हो जाएंगे, और 12 का इंटू इसमें करें 2 पॉइंट 10, 10 करें तो 120 केले के। अब बात करते हैं जुलाई, जुलाई में कितने, तो जुलाई में हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे ज़्यादा बिके हैं 7, और कितने 5 दर्जन है एक उसमें, तो 7 इंटू 5 कर देंगे 35 आएगा, और एक दर्जन में कितने केले होते हैं 12, तो 35 इंटू 12 कितना हो जाएगा हमारा, जब 35 और 12 को इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1300, सॉरी 420, 420। अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए 0000 0, 6 और 8 जोड़ेंगे 14, 14 में 0 जोड़ेंगे 0 ही आएगा, ठीक, 14 और 2 16, 16 और 2 18 के 8 आंसर है, 1 1 4 5, 5 और 4 9, ठीक, 9 और 9 9 4 13, 1380। टोटल कितने केले बिक चुके हैं, 1380। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, 6 डिब्बे थे और एक की कीमत, एक 6 डिब्बे में 5 दर्जन है, मतलब एक डिब्बे में 5 दर्जन, तो 6 में 5 करके 35 दर्जन हो गए, और एक की कीमत कितनी 12 है, ठीक, तो 6 हैं, 6 डिब्बे हैं, एक में 12 5 है, 5 दर्जन, तो 5 इंटू किया, और एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो इसमें 12 इंटू किया, इस टाइप से इसमें 3 डिब्बे थे और एक डिब्बे में 5 दर्जन है, 5 इंटू किया, और एक दर्जन में होते हैं हमारे 12 केले, तो इस टाइप से सबके हमने केले निकाल लिए और सबका सम कर दिया सभी का, तो कितना आया हमारा 1380 इसने बेच दिए हैं, मार्च से लेकर जुलाई तक उसने 1380 केले उसने बेच दिए हैं, ठीक। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4th पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th में क्या क्या बोल रहा है वो, ग्राफ को अच्छे से पढ़िए, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेक्चर्स टेकन अमित एंड राघव टू द गोपाल एंड प्रमोद ड्यूरिंग अ वीक, तो अमित ने कितने लेक्चर अटेंड किए हैं, देखिए अमित ने किए हैं 2, और राघव ने कितने किए हैं, राघव का ग्राफ देखेंगे हम, राघव कहाँ है, यहाँ, तो राघव कितना 5, अमित ने एक वीक में 2 लेक्चर अटेंड किए हैं, राघव ने एक वीक में 5 लेक्चर अटेंड किए हैं, तो टोटल कितने लेक्चर हो गए, 5 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा हमारा 7 लेक्चर किए हैं, ठीक। फिर देखेंगे गोपाल, गोपाल ने कितने लेक्चर किए हैं, तो गोपाल का देखिए आप ग्राफ यहाँ पे 4 4 लेक्चर अटेंड किए हैं, उसके बाद किसका पूछा, प्रमोद, तो प्रमोद ने कितने लेक्चर अटेंड किए हैं, प्रमोद कहाँ, ये प्रमोद का 3, तो टोटल कितने अटेंड किए इन्होंने, टोटल हो गए यहाँ पे 7, ठीक, दोनों कितने हो रहे हैं, इसके भी हो रहे हैं 7 7 42, ठीक, इसने भी 7 किए, इसने भी 7 किए, ठीक, इसका डिफरेंस बताना, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर बताना दोनों में, तो इसने देखिए 7 किए हैं, ठीक, एक दिन में 7, यहाँ पे एक दिन में 7 लेक्चर अटेंड किए, इसने एक दिन में ये 7 किए, जब एक दिन का 7 है तो 7 का इसमें इंटू करेंगे थोड़ी 6 दिन, क्योंकि एक लेक्चर क्या सोमवार से शुक्रवार शनिवार तक चलता है, संडे के दिन बंद रहता है, तो 7 6 42, एक वीक में कितने 42 हो गए, इसके भी 6 का इंटू करेंगे 6 दिन का, तो 42 हो गए, दोनों में डिफरेंस क्या आया, इसका भी 42 42, इसका भी 42, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 0, डिफरेंस कोई है ही नहीं इनके बीच में, ये भी एक वीक में 42 लेक्चर करते हैं और ये भी एक दिन में 42 लेक्चर करते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0, तो इसका ऑप्शन नंबर 4th हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी ग्राफ दिया है, उसे आप अच्छे से ध्यान से देखिए ग्राफ में पूछ क्या रहा है, ठीक, एक ग्राफ में दिया स्टडी द बार चार्ट, ये बार चार्ट दिया हुआ है हमें, गिवन बिलो विच शोज श्याम्स मार्क्स एक्स एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ आउट ऑफ 100 वाइज, मतलब परसेंटेज ऑफ श्याम मार्क्स इन साइंस, साइंस के परसेंटेज बताना है हमें, ठीक, साइंस कहाँ है इसमें, देखिए साइंस, साइंस में कितने मिले हैं उसे, 80 मार्क्स मिले हैं, ठीक, 80 मार्क्स मिले हैं कितने में थे, 100 में से, तो परसेंटेज कैसे निकालना है, मैंने आपको बताया था परसेंट वाले चैप्टर में कि हमें जिसका निकालना है उसे ऊपर लिखते हैं, जिसमें से निकालना है उसे नीचे लिखते हैं, और जो भी टोटल मार्क्स रहता है
ठीक, जो परसेंट यहाँ पे 100 लिखते हैं, जिसमें से निकालना है उसे ऊपर लिखेंगे, जिसमें से निकालना है उसे नीचे लिखते हैं, तो परसेंटेज के लिए यहाँ पे 100 लगाते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 80%। तो श्याम को कितने मिले हैं साइंस में? 80% मार्क्स मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय शॉप कीपर इन लास्ट 4 मंथ, मतलब 4 मंथ में उसने इतने शूज बेचे हैं, ये आपको ग्राफ बता रहा है। ठीक, ये एक शूज कितना है? 112 पेयर शूज। जो एक शूज है इसकी कीमत कितनी है? एक बड़े शूज की कीमत, शूज बड़े, ठीक है, एक बड़े शूज की कितने बराबर है? 112 पेयर के बराबर है। ठीक, एक बड़े शूज की कीमत, इसकी एक की कीमत कितनी दी हुई है यहाँ पे? 112। जहाँ पे जो एक जूते देख रहे हैं ना आपको शूज, इसकी कीमत 112 है, तो एक बड़े शूज की कीमत कितनी दी हुई है हमें? 112 दी हुई है। ठीक, 112 दी हुई है, तो हमें निकालना है कि 4 महीने टोटल कितने बेचे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, टोटल बड़े शूज कितने हो रहे हैं? 11, और एक की कीमत कितनी है? 112। तो हम 11 का इंटू कर देंगे 112 में, तो हमारा कितना निकल जाएगा इसमें टोटल आंसर? 1232। इसका आप इंटू करिए, हमें बताइए इसकी मेथड, आप इंटू करके हमें बताना। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 4, देखिए, एक शूज बड़े शूज कीमत कितनी, एक बड़ा शूज किसके बराबर है? 112 पेयर शूज के बराबर, तो टोटल कितने दी हुई है यहाँ पे हमें? 11 शूज दिए हुए हैं, तो 11 लिख दिए, और एक की कीमत कितनी है? 112, तो 11 इंटू कर देंगे 112 में, तो हमारा 1232 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी ग्राफ दिया हुआ है, फॉलोइंग बार चार्ट, बार चार्ट रिप्रेजेंट, इसको बोलते हैं बार चार्ट। ठीक, ये कौन सा चार्ट है? बार बार फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट द वेरियस स्पोर्ट्स प्ले बाय स्टूडेंट, स्टडी द चार्ट एंड गिव द आंसर। मतलब सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए कि किस कितने खिलाड़ी हैं, मतलब किस खेल में कितने खिलाड़ी है। ठीक, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, चार टाइप के हमें खेल दिए हुए हैं, और यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कितने स्टूडेंट किस खेल को खेलते हैं, मतलब फुटबॉल कितने स्टूडेंट खेलते हैं, क्रिकेट कितने स्टूडेंट खेलते हैं, टेबल टेनिस कितने स्टूडेंट खेलते हैं, बैडमिंटन कितने स्टूडेंट खेलते हैं, वो हमें बताना है इसमें देख के। हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले टेबल टेनिस, टेबल टेनिस कितने स्टूडेंट खेलते हैं? देखिए टेबल टेनिस के ग्राफ ये है, तो यहाँ से आप मिलाइए, ये 8, सॉरी मैं गलत हो गया, ये 8 तक ही जाएगा, 10 तक चला जाता, तो आप ये बिल्कुल लाइन को मिलाइए, 8 तक जा रहा है, तो कितने खेलते हैं? 8 स्टूडेंट खेलते हैं टेबल टेनिस, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरियस ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज्ड बाय द स्टूडेंट। ठीक, देखिए यहाँ इमोजी वाला आ गया फिर से। ठीक, हेयर 50 स्टूडेंट, मतलब एक उसकी जो इमोजी है उसकी कीमत कितनी है? 50 स्टूडेंट, तो एक इमोजी की कीमत कितनी है? देखिए इसकी कीमत कितनी है? 50, एक की कीमत 50 दी हुई है। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट यूज स्कूल वैन, तो स्कूल वैन कितने परसेंटेज यूज करते हैं हमें ये बताना है। ठीक, हमें ये बताना है इसमें कि कितने परसेंटेज बच्चे स्कूल वैन का यूज करते हैं, जिसमें एक की कीमत कितनी है? 50 है। तो देखिए स्कूल वैन कितने करते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 करते हैं, तो 6 × 50 कर देंगे हम, 6 × 5 = 30, 300 बच्चे हमारे क्या करते हैं? स्कूल वैन का यूज करते हैं, और टोटल कितने ही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल निकालेंगे हम 15, तो एक ही कीमत कितनी है? 50, तो इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, हम 10 का करेंगे 50 75 750। देखिए टोटल कितना है, हमें टोटल स्टूडेंट है 750, और स्कूल वैन यूज करते हैं 300, तो परसेंटेज कैसे निकालना मैंने आपको बताया था, कितने बच्चों को परसेंटेज निकालना है? 300 का, किस में से निकालना है? 750 टोटल में से, यहाँ पे 100,
ये परसेंटेज के लिए हंट है, जिस जो निकालना है वो ऊपर, जिसमें से निकालना है वो नीचे लिखते हैं, और परसेंटेज के लिए यहाँ पे 100 लिखते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक, ये देखिए यहाँ पे 25 थी या 75, वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, यहाँ पे 12 बार, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 का इंटू यदि हम 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 40। तो 40% बच्चे स्कूल वैन का यूज़ करते हैं। ठीक, देखिए एक की कीमत कितनी है, 50, तो टोटल कितने स्कूल बच्चे 6 करते हैं, तो 6 कितने हो जाएंगे, 300 स्टूडेंट स्कूल वैन का यूज़ करते हैं। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 750। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो निकालना है वो ऊपर, जिसमें निकालना है वो नीचे, और परसेंटेज के लिए यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करके 40% आ गया। तो 40% बच्चे किसके यूज़ करते हैं, स्कूल वैन के यूज़ करते हैं। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर, गिम इफ वेंडर स्टिल रिमाइन विथ 25 ऑरेंज इन ए कार्टन, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ ऑरेंज इट इज अ बिगिंग। देखिए उसने, देखिए यहाँ पे एक ऐसा चिन्ह दिया है वो यहाँ पे नहीं दिया है, मिसिंग हो गया है। ठीक, इस टाइप से। तो क्या एक दिन में कितने 15 बनाम ऑरेंज सेल करता है, 15 दिन में कितने करेगा, एक दिन में 15, 15 दिन में 15, तो कितना हो जाएगा, 15 का 15 में 2 करेंगे तो हमारा 225 हो जाएगा। 225 ये ऑरेंज सेल करता है, तो 225 में अगर हम ये 25 भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 250। तो कितने करता है, 250 ऑरेंज सेल करता है। इफ वेंडर स्टील रिमाइंड विथ 25 ऑरेंज इन कार्टन, देन व्हाट वॉज द नंबर ऑफ ऑरेंज एट द बिगिंग। शुरू में कितने थे उसके, शुरू में उसके 250 थे, उसने 225 सेल कर चुका है, 25 उसके बचे हैं। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि देखिए 225 से सेल कर दिए हैं, 25 उसके अब रिमाइंड बचे हैं, तो टोटल शुरू में कितने थे, 25 उसके शेष बचे हैं यहाँ पे, देखिए ये। और इसने कितने सॉल्व कर दिए 15 दिन में, एक का मतलब यहाँ पे एक डिब्बे में कितने हैं, कार्टन में 15 हैं, तो 15 में कितने हो जाएंगे, एक दिन में 15 करता है, तो 15 दिन में करेगा 225। 225 में सेल कर दिए, 25 उसके शेष बचे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 250। तो शुरू में कितने थे उसके पास, 250 थे, 250 ऑरेंज थे, उसमें से उसने 225 सेल कर दिए, 25 उसके रिमाइंडर सेल शेष बचे हैं। ठीक, तो टोटल शुरू में कितने थे, बिगिंग में 250, तो ऑप्शन नंबर। ठीक, अब चलते हैं हमारे लास्ट। एक क्लास विजिट अ पार्क, दे शो सम एनिमल्स एंड बर्ड्स, दे प्लॉट अ ग्राफ वाई प्लेसिंग द नंबर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये ग्राफ देखिए, इसमें बहुत सारे मतलब, देखिए मंकी है, डियर, पिकॉक, डक, एनिमल, बर्ड्स, पिक, नंबर ऑफ एनिमल्स, इतने इतने मतलब मंकी इतने हैं, डियर की संख्या 40 है, पिकॉक 50 है, डक 35 है, तो हमें बताना है सम ऑफ डियर और मंकीज मोर देन नंबर ऑफ पिकॉक इज। मतलब क्या कह रहा है कि देखिए मंकी कितने दिए हैं, मंकी की संख्या हमें दी हुई है यहाँ पे 25, मंकी हमें 25 है, और डियर, डियर देखिए 40 है, डियर कितना 40 है, टोटल कितना होगा, 25 और 40 होगा हमारा 60, 65, दोनों का टोटल कितना हो गया 65। तो डियर और मंकी इज मोर देन नंबर ऑफ पिकॉक इज, तो पिकॉक की कितनी है हमारे पास, पिकॉक की हमारे पास, पिकॉक की संख्या दी हुई है 50, पिकॉक की कितनी संख्या दी हुई है 50। ठीक, तो हमें ये बताना है कि जो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डियर और मंकी कितने ज्यादा हैं पिकॉक से। देखिए मंकी 25 था और डियर 40 था, टोटल कितने हो गए 65, और पिकॉक कितना दिया 50, तो कितने ज़्यादा है, तो 65 में से यदि हम 50 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा कितने 15 ज़्यादा है, मंकी और डियर कितने हैं 65 हैं, पिकॉक है 50, तो कितने ज़्यादा है 15 है, 65 में से 50 घटा देंगे 15 होगा, तो इसे कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, देखिए हमने आपको रीजनिंग, जो हमारी नवोदय 6 क्लास की रीजनिंग है वो हमने आपको पूरी प्रोवाइड करा चुके हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आप जाइए हमारे चैनल को सर्च कीजिए, वो प्ले लिस्ट में जाके आप टोटल चैप्टर देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आप
आज हमारी नवोदय मैथ की सीरीज भी खत्म हो चुकी है। इसमें हमने आपको चैप्टर 19 तक पूरे कॉन्सेप्ट की अलग वीडियो और प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की अलग वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, जिससे आप कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के डाउट दोनों सॉल्व कर सकें। तो हमने इस प्रकार आपको नवोदय मैथ और नवोदय रीजनिंग दोनों का पूरा सिलेबस आपको अपलोड कर दिया है। इसकी प्लेलिस्ट बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बनी हुई है हमारे चैनल पे। आप जाइए यूट्यूब पे द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी सर्च कीजिए और देखिए। इसके साथ साथ हम आपको सिक्स क्लास जो इंग्लिश की एनसीईआरटी रहती है वो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर का बेस, पूरा चैप्टर का बेसिक वाइज इंग्लिश का। उसके साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। और जो हमारे सिक्स क्लास रहती है इसकी जो भी ग्रामर का सिलेबस रहेगा ये भी आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा दिया है। तो सिक्स क्लास की जो एनसीईआरटी इंग्लिश है इसका भी एक्सप्लेन आपको हमारे चैनल मिल जाएगा, उसकी वर्ड मीनिंग मिल जाएगी। और सिक्स क्लास की आपको इंग्लिश ग्रामर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई कि सिक्स क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्या क्या कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप इंग्लिश की प्रिपरेशन हमारे चैनल से कर सकते हैं सिक्स से लेकर 10 तक। डिजिटल मार्केटिंग भी है, इस बार स्टॉक मार्केटिंग भी मिलता है। सिक्स से लेकर 10 तक मैथ भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप वहाँ पर आके हमसे देख सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप नंबर दिए हुए हैं हमारी स्लाइड में, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। यदि किसी पर और डाउट है तो हमें आप मेंशन भी कर सकते हैं कमेंट में। देखिए, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसे आप कमेंट में जरूर बताएं। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।